मैं मेरी दे झगड़े विच बंदा सुखी नहीं हो सकता, ये गुरबाणी कहती है। जे ये मैं ते मेरी मिट जावे, देखो ना किवें किवें मिटाई जा सकती है, इस तरह मिटाई जा सकती है जिवें गुरु जी ने किसी ने जवाब देता, मतलब तुम्हारा तुमको खूब, हमारा हमको खूब, झगड़े कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर हौमे का कंडा नहीं है। मैनू कोई पूछे कि केड़ा धर्म चंगा है, मैं बड़ा सुहिरद मन वाला भी होकर हौली हौली यही कहांगा कि गुरु साहब का मत सबसे अच्छा है, सिख धर्म सब तो अच्छा है। मुसलमान भरा कहेगा कि नहीं साडा सिस्टम अच्छा है, क्योंकि असं हौमे विच बोलते हैं। गुरमुख लोगों के अंदर वो हौमे का दुख देने वाला कंडा नहीं है, जिस कारण वो ऐसा वचन कहते हैं जिस दे नाल उन्हां दी शांति नाल सारा वातावरण ही शांत हो जाता। जे उस फकीर नूं गुरु जी ये कहते कि तेरा मजहब माड़ा ते मेरा चंगा, क्रोध विच वो भी चार वचन कहता, उसका मन भी ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु जी दे अंदर कोई द्वैत ही नहीं है, सारा जगत उन्हां दा है। एक देखो है की है, एक ते मैं किसे सीमा च बन्निया होया कि मेरा इन्ना को घर है, एक फकीर जिहड़ा वह खुश क्यों है? क्योंकि वह कहिंदा सारी धरती मेरा, सगली धरती साध की, क्यों क्या है? कोई बंधन ही नहीं है। एक मैं कमा कि मेरे 2 करोड़ लोग हैं, ये स्वाद है, जां एक मैं कहां कि सारी धरती ते वसदे जीव ही मेरे भैन भरा ने, स्वाद किहदे च है? स्वाद निश्चित तौर पर दूजी गल च है कि सब कुछ मेरा अपना, कोई भी पराया नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिन्हों मैं पराई कह सकता। तो हौमे जिहड़ी है ये अपना ते पराया ये सिरजदी है, इस करके ये एक दीर्घ रोग है। इहदा इलाज जिहड़ा है वो क्या है कि इहदे विच ही इहदा इलाज है। जिहड़े टीकाकार सन उन्हां वास्ते भी यह समस्या सी, इहदे विचों इहदा इलाज किवें लभ्या जा सके, किवें हो सकदा, विच नहीं हो सकदा। तो उन्होंने अर्थ इस तरह करता कि नहीं इहदा इलाज भी है, टीकाकारां ने अर्थ ये किते नहीं इहदा इलाज भी है, ये नहीं कि ये ला इलाज है। पर गुरु जी ने तो यह नहीं किया, और कहने दारू भी समाए ये विचे इहदा इलाज है। इस दे विचे इहदा इलाज की है? वो है अपनी अपने निर्मल अहम की पहचान। मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पुछा मैं कितों निकली है, जिस अस्तित्व चो मेरा अस्तित्व निकलिया है उस अस्तित्व की पहचान, ये हौमे का इलाज है, ये दारू है इस दीर्घ रोग का, असाध रोग का, कि मैं ये पहचान लवा कि मेरी मैं आई कितों है। जदों मैं इस मैं की कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई इंसान जदों ये सोचेगा मैं कितों आया, वो चाहे बुल्ले शाह होए, चाहे मंसूर होए, चाहे मौजूद होवे, चाहे कोई क्रिश्चियन सेंट पॉल हो, संत कोई महात्मा हो, जदों वो चिंतन करेगा तो कहेगा मैं परमात्मा तो आया, मैं कितों निकला, मैं उहदे विचों निकला, मैं जाना किथे, मैं उहदे कोल जाना। फिर इकला मैं थोड़ा उहदे तों आया, सारे उहदे तों आए, सारे ने उहदे कोल जाना। जदों सारे ही उहदे कोलों आए ने जिहदे कोलों मैं आया, तो फिर सारे मेरे भैन भरा हो गए, तो झगड़ा कहदा खत्म हो गया झगड़ा। तो गुरु जी ने यह इलाज दसिया कि इहदे विचे इहदा इलाज है। एक चीज होर, नानक हुक्म है जिब जै तां हउमे कहे ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझै तां हउमे कहे ना कोई, जिहड़ा प्रकिरति का विधान जिहड़ा विचर है, हुक्म है,
उस हुक्म नूं जो समझन दा पता यतन करेगा तो उसनों अपनी निर्मल होंद का एहसास जागेगा, वो अंदर उन्होंने पता लग जाएगा तो वो उसका हौमे तो छुटकारा जोड़ा है वो हो जाएगा। एक चीज़ तो है हौमे को कंट्रोल करने वाली चिंतन का सुधार। चिंतन का सुधार अंदरों हौमे नष्ट करना, क्योंकि दो तरह की हौमे है, एक हौमे कर्म कमाही वाली हौमे, हौमे वाले काम करना, किसी नूं कूणी मार के अगे जा रहा, किसी नूं किसी तरीके ना ठेस, किसी नूं किसी तरीके ना ठेस पहुँचा रहा, यह बाहरले अहंकार का, बाहरले अहम का, अहंकार ते अहम, अहम नूं अहम वाले काम करना। कार जिहड़ा शब्द ने इहनूं समझ लेना, कार ओंकार नाल भी जुड़िया होया, एक ओंकार पढ़ने आ। तो मैं पिछे बड़ा हैरान होया कि एक बड़े साडे भाई जी बड़े ज्ञानी ज्ञानवान हन, बड़ी उच्ची पदवी ते भी रहे, तो वो बच्चों समझाने लगे कि आ जिहड़ी रेखा है ये कार है, जिहड़ी उत्ते नूं रेखा है ना ओंकार दी, कहणगे इह कार लगी हुई है। तो मैं क्या भाई जी कानू कुफर बोलदे हो, जदों ओंकार दी ये आकृति ही नहीं सी तदों भी रब का नाम ओंकार सी, वेदां दे वेले किहड़ा एक ओंकार साडी शेप वाला बनिया सी, उदों ते ऊड़ा दूजे पासों बंद ही नहीं सी होया। अजे ते जिहड़ा ओम सी जदों ये उपर चुके ही नहीं सी गई लाइन, उपरली कार दी तां गल ही छड्डो, ये तां तदों भी ओंकार सी। ओंकार शब्द तां ऋग वेद च आया, ओंकार तां ईशा वास्य उपनिषद विच मुंडक उपनिषद विच व्याख्या की हुई है, पता नहीं किन्नी बार ओंकार वरत्या। कार का अर्थ हुंदा कम करना, ओंकार एक्टिव ब्रह्म क्रियाशील परमेश्वर, कोई निश्चल मूर्ति नहीं, एक कर्म करने वाली, एक क्रियाशील जिदी जिदे करके जगत क्रियाशील है वो ओंकार है। तो अहंकार अहम वाले कम करना, अहम रखना ते अहम वाले कम करना दो चीज़ां बखरियां हैं। बखरियां किवें हैं? अहम रखना अहंकारमई चेतना रखनी अंदर, ते अहंकार बाहरले कमां नाल जुड़िया है, हौमे आंतरिक है क्योंकि इहदे नाल कार नहीं लग्या, हौमे अंदरली चित्त वृत्ति है जिस दे विच अपनी वखरी ते उची होंद दा एहसास है, हौमे ओ है। ते अहंकार की है? अहम वाले कम करना, कार दा अर्थ की है कम करना, जदों बाहर कर्म करना तो उस वेले फिर हुण जिहड़ी आंतरिक हौमे है, जिहड़ी चित्त वृत्ति दी हौमे है, वो हौमे नाम सिमरन द्वारा नष्ट होती है। कि नष्ट होगी नाम सिमरन, अहंकार वाले जो कर्म ने ये सेवा नाल नष्ट हो गए। इस करके बड़े ही प्रबुद्ध साढ़े चेयरमैन साहब ने इन दोवें चीज़ों का संबंध स्थापित किया है कि सेवा ते हौमे इकट्ठी रखी, क्योंकि ये इतनी असाध बीमारी है जे अंदरों नहीं रुके, अंदरों नहीं रुके। हुण साडे समस्या की है? अंदरों तो हौमे रुकी नहीं, तो बाहरों जिहड़ी सेवा है वो ही अहंकार वधाण वाली हो गई है। पहला अंदरों रोकना पवेगा, जीओ निर्मल पहला होना पवेगा, जीओ निर्मल बारहों निर्मल विच जीओ निर्मल नूं पहला रखे ना। जे हौमे नाम नाल अंदरों नहीं रुकदी तां बारहों कीती होई सेवा भी अहंकार वाली सेवा हो जाती है। तो गुरु जी ने सिख नूं पहला ते सतनाम दा पाठ पढ़ाया कि प्रभु दा सच्चा नाम जप जप के
अपना मन चित बुद्धि एदे विच तू सच दा टिकाना पक्का कर ले। जे सच दा टिकाना पक्का हो जाएगा फिर बाहरों किते हुए जिहड़े कर्म ने उन्हां विच अंकार नहीं होगा। परंतु कई लोग साधक जिहड़े ने, जे साधक इकला नाम ही जपदा रहेगा, सेवा नहीं करेगा, तां वो नाम जप जप के भी अंदर अहंकार आउण दा खतरा है। जिवें बाहरों सेवा करके अहंकार आउण दा खतरा है, तिवें सेवा किते बिना सिर्फ नाम जप के भी अंदर अहंकार का हमला होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि बाहर जिहड़े इंद्रिय सन उन्हां नूं नाल सेवा नहीं कीती, बाहरला वर्तारा निम्रता वाला नहीं होया। सेवा की है? पर स्वार्थ अधीन किया होया काम, पर उपकार लई किया होया काम। गुरमत विच जिहड़ी सेवा है प्राय लई किया होया काम, तो यह भी हो सकता मैं किसी सिख लई काम कर दिया। सिख की सेवा भी जिन्हें मैं जानता ही नहीं या मेरे ना कोई संबंध नहीं, उसकी सेवा की भी पराए बंदे की सेवा की। बहुते जिहड़े पंथ ने वो इत्थे ही रुक जाते हैं, असीं भी बहुता करके इत्थे ही फस जाने। अपने लोगों की सेवा नूं असीं सेवा कहने, चाहे वह साडे घर के मैंबर ना हो, परंतु किसी ना किसी तरीके नाल वो अपने ने। जिहड़ी गुरबाणी है इहदे विच मनुख की सेवा तो वर्जित किया है। पहला इन चंगी तरह समझी, गुरु की सेवा तो रब की सेवा की गल की है। और यह गल कही है, मानुख सेवा खरी दुहेली, साध की सेवा सदा सुहेली। एक बड़ा साढ़े सामने समस्या एक तरीके नाल आ जाती है कि क्या मनुखता की सेवा तो गुरु जी ने मना करता है कि भाई मनुख की सेवा नहीं करनी, कि तुसी सेवा करनी है तो प्रभु की सेवा या गुरु की सेवा करनी है। दूजी सेवा जड़ी है वो होर भी कई थावां ते ये गल कही है कि जिहड़ी तुसी दूजी सेवा करते हो, दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था। अपना धर्म गवावे बूझे ना ही अंतिम दुख विहानी, मनमुख आंधना चेती डूब मुए बिन पानी। तो ये अमृत छोड़ दिख्या लुभाने सेवा करें विडाणी, दूजियां दी सेवा जिहड़े करदे ने अमृत छड़ के विश विच पैंदे ने। इस नूं बहुत बारीकी नाल समझण दी लोड़ है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि गुरु जी मनुखता की सेवा तो रोकण। गुरु जी कहते हैं कि जिस तरह तू मनुखां की सेवा करता है, मेरे इत्थे वाइस चांसलर साहब आ जाण तो मैं उन्होंने अगे पिछे घूमांगा, करा कोशिश करांगा कि कोई ना कोई इन्हां दी सेवा करां ताकि खुश हो जाए, क्योंकि मेरे वाइस चांसलर। इहदे विच कोई मेरा उन्हां दी सेवा करन दा भाव थोड़ा है। मैंने तो यह है कि अज कोई माड़ी जी सेवा करके कल नूं जा पाऊं, चंगा कि मेरा छोटा जिहा काम है कर दे। जिहड़ी ये स्वार्थ अधीन कीती हुई सेवा है इसनूं गुरु जी वो मानुख सेवा कहिंदे ने, जिहड़ी खरी दुहेली है। ये मनुखां दी खुशामद जिहड़ी करन वास्ते कीता होया काम है, वास्तव विच सेवा नहीं है। ये तो मनुखां दी अधीनगी है। तो गुरु जी कहते कि भाई सेवा रब की करनी है तो गुरु की करनी है। ये गल बार बार गुरु जी ने, हुण रब की सेवा जिहड़ी है वह बड़ा स्पष्ट करता कि जिहड़ी रब की सेवा है, किस हों सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए। मैं अपने गुरु नूं पुछांगा कि मैं सेवा किहदी करां, किस हों सेवी जप की करा सेवा की करा, क्योंकि जप नाल चिंतन सुधरना है,
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੁਆਏ ਇਹ ਸਾਵ ਸੇਵਾ ਚੱਕਰੀ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਸੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਦਮਾਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੀਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੇਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਛੇਤਲਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਖ, ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
जिहड़ी इह सेवा नूं पवित्रता है इह मैं समझदा कि धर्म दर्शन विच अपने आप विच इह धर्म शास्त्र दी इक प्राप्ति है, एक सिखी दी कंट्रीब्यूशन है कि सेवा जिहड़ी निष्काम सेवा हो किवें सकदी है, कामना रहित सेवा किवें हो सकती है। जदों बंदे दा मूँह देख के बंदे दी सेवा की जाती है उस विच स्वार्थ है, जदों बंदे दी सेवा ए समझ के की जाती है कि एक गुरु की सेवा है। लंगर की सेवा नूं सिख कदे बंदियां की सेवा नहीं कहता है, गुरु की सेवा कहता है। गुरुद्वारे इस करके थोड़ा उन्हें लंगर लाए ने कि मैं उसे कहते मैं गुरु वास्ते लाया, गुरु की आज्ञा है। गुरु का गुरु नूं प्रसन्नता, एक वचन है ना महाराज सच्चे पातशाह का, कहते कि सतगुर की सेवा या क्या सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। असि समझ लिया भी जिदे नाल गुरु रीझदा है, जिस सेवा कीतियां गुरु प्रसन्न हुंदा है, वह सेवा कीती जिहड़ी है वह साडी सफल है। तो असी सेवा किहदी करदे हां, गुरु की। तो इस करके ये भाव लैना कि गुरु जी ने कोई मनुखां की सेवा तो रोकया है नहीं, उन्होंने कामना वाली जिहड़ी स्वार्थ अधीन कीती हुई मनुखां की खुशामदमई सेवा है उस तो बाणी विच वर्जित कीता है कि परंतु इन्हें मेरा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह गुरु की सेवा है। तो ये सेवा गुरबाणी में क्या है कि रब की करनी है, रब की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। रब की सेवा किवें करनी है? रब दे जीव जान के जीवन की सेवा करनी है। गुरु की सेवा किवें करनी है? कि जेड़ा गुरु के दर ते आया है ये समझ के कि ये भी सेवा कीती है, मेरा गुरु प्रसन्न होएगा, उसकी सेवा करनी है। हुण रही गल सेवा जिहड़ी व्यवहार विच असीं कर रहे हां, ये प्रेरणा ते सेवा दी ते प्रेरणा बाणी च बहुत है। आओ सखी संत पास सेवा लागी है, पीसो चरण पखार आप त्यागी है। किवें सेवा करनी है ये दस्या चरण पखार ने, किसी दे चरणा की सेवा करनी है, लंगर की सेवा करनी है। तो ये बहुत सारिया विधियां सेवा दियाँ जड़िया ने ओ, और किवें समर्पण करनी है। हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरणी ज्यों सिर दे, मंतन आगे राख है उ भी सेव करे, क्यों गुरमुख है आप निवारी है सब राज सृष्टि का ले। ये जड़ी निष्काम होके अपना अहम छड़ के कीती हुई सेवा है, कहंदे इहदे नाल बंदे नूं सृष्टि का राज मिल जाता है। इहदा भाव ये वे कि सृष्टि विच सारी सृष्टि विच उसनू धनता प्राप्त होंदी है, महिमा प्राप्त होंदी है। परंतु हालांकि जिहड़ा सिख है उसने गुरु प्रति अपना फर्ज जान के सेवा की है, महिमा लैण वास्ते भी उन्हें सेवा नहीं की। जे महिमा लैण वास्ते की हुई सेवा वह भी सेवा नहीं है। अज जिहड़ी व्यवहार विच सेवा हो रही है उसका मंथन थोड़ा जरूरी है। लंगर की सेवा ठीक है, लंगर की सेवा जिहड़ी है ये कल असी संगत पंगत पर आना, ये पिछले जो कंसैप्ट ने तो कल डिस्कस करांगे। लंगर जिहड़ा है गुरुद्वारे की एक प्रमुख संस्था जी गुरु महाराज ने स्थापित की है, ये सेवा करनी ते एक बहुत ही उत्तम कर्म है, और ये राही साड़ी कौम की जी है कौम ने यश सन्मान दुनिया में खटिया जरूर है। ये हुण की है कि जिहड़ियां विकार आ रहे ने उन्हें रोकना पवेगा। बहुत सारिया थावां ते मैं देखदा कि जो लंगर है वह हुण बड़ा एक शाही भोज बनता जा रहा है। जदों शाही भोज बन जाएगा फिर यह भी हो जाएगा कि भाई आ बाहरले बंदे ना आउण दिओ। बहुत थावां ते यह भी होण लग गया कि बाहरले बंदे नहीं, ये तो सिर्फ अपने लोगों वास्ते है। तो लंगर जिहड़ा है ये सादगी विच इस करके रखना भी जरूरी है। और एक चीज़ होर समझण वाली है कि लंगर जिहड़ा है क्योंकि गुरु का है, इस करके इकल्ले व्यक्तियों वालों जिहड़ा असीं लंगर करते हैं ये भी किसी के नाम उत्ते करना ये ठीक नहीं है।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।